हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आई गेस बहुत दिन हो गए हैं गाइस, कोई वीडियो नहीं बनाई, मेरे हाथ में भी इंजरी थी। तो गाइस राइट नाउ आई हैव शिफ्टेड टू बेंगलोर, और गाइस अभी मैं आ रखा हूँ चिक्कबलापुर में शिव आदि योगी टेम्पल है गाइस ये, एंड दिस इज एन अमेजिंग प्लेस। और ये 65 किलोमीटर थी मेरे प्लेस वेयर आई एम स्टेइंग, एंड राइट नाउ जस्ट रीच्ड हियर, एंड दिस प्लेस इज अमेजिंग गाइस। पहाड़ों के बीच में है टेम्पल, तो गाइस जमीन मैं जुलाई में आ गया था, मिड जुलाई में आ गया था बेंगलोर, एंड आई हैव गॉट अ जॉब हियर। तो राइट नाउ थोड़ा ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दिस इज द फर्स्ट प्लेस आई हैव विजिटेड, एंड आगे लेट्स सी वेयर ऑल विल गो। सो आज आपको ये प्लेस आई विल शो यू। हे गाइस, सो गाइस ये जो आप आदि योगी का आप मूर्ति देख रहे हो, स्टैच्यू, राइट। सो गाइस इसके नीचे टेंपल है, तो यहाँ पे आप जा सकते हो, यहाँ पे आप गंगा जल चढ़ा सकते हो, और आपको यहीं पे ही मिल जाएगा सब, एंड देन आप चढ़ाइए उसको, एंड देन मतलब इन्होंने सब कुछ बहुत ज़्यादा मोनेटाइज कर रखा है कि आपको प्रसाद भी खरीदना पड़ेगा एंड एवरीथिंग। बट इफ यू टॉक अबाउट द वाइब्रेशन ऑफ दिस प्लेस गाइस, द वाइब्रेशन ऑफ दिस प्लेस इज अमेजिंग। और यहाँ पे पहाड़ों के बीच में इन्होंने ये बनाया है। सो गाइस ये जो इन्होंने प्लेस बनाई है, ये पहाड़ों के बीचों बीच बनाई है, राइट। तो वाइब्रेशन काफ़ी अच्छे हैं, एंड द मोमेंट यू विल रीच दिस प्लेस, सो गाइस आपको काफ़ी लेक मिलेंगे रास्ते में, राइट। तो प्लेस इज अमेजिंग, क्राउड अबाउट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, राइट, क्राउड इज़ अ लॉट हियर, राइट। एंड राइट साइड में ये रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आप कुछ भी यू वांट टू ऑर्डर यू कैन, एंड आप एंट्री में आप अपने शूज़ एंड आप जो भी स्लीवर्स पहन के होगे वो जमा हो जाएंगे, एंड देन आपको ये राइट हैंड साइड पे मिलेगा, राइट। तो प्लेस इज अमेजिंग गाइस। सो गाइस मैं यहाँ पे आना चाह रहा था कल, बट मैं आदि योगी केंद्र पहुँच गया, आई हैड अ वर्ड विद पीपल, तो मुझे पता लगा कि चिक्कबलापुर में पड़ता है ये जगह। दिस इज एन ऑसम प्लेस गाइस, सो आप यहाँ पे आ सकते हो, फैमिली के साथ आ सकते हो यहाँ पे, द प्लेस इज अमेजिंग, यू विल लव इट। तो गाइज मैं अब चलूँगा, आई हैव समथिंग, ठीक है, आई एम गोइंग टू रेस्टोरेंट एंड कुछ खरीदेंगे, लेट्स सी व्हाट वी विल बाय फ्रॉम हियर। सो गाइज अभी हम पहुँच चुके हैं इनके रेस्टोरेंट, तो क्या मिलता है, मेन्यू नहीं है, बस यही है, केसरी भात, वेज फ्रूट जूस, कट फ्रूट्स, स्पाइस बटर मिल्क, यही सब मिलता है गाइज यहाँ पे, कॉफ़ी एंड टी। तो गाइज मैंने लिया है इनसे पाइनएप्पल जूस, कुछ ऐसी इनकी स्लिप दिखती है, ये मिलेगा सामने काउंटर से। तो गाइज अभी हमने ऑर्डर किया है, गाइज बैंगलोर साउथ में आता है, राइट, यहाँ पे ये सब मिलता है। ये है पाइनएप्पल जूस, ये पड़ा है मुझे 90 का विदाउट शुगर, गाइज यहाँ बोलना पड़ता है, शुगर नहीं डालना। और गाइज ये है मसाला डोसा, एंड गाइज आपको रेट खा देते हैं। So this is the restaurant, and restaurant is मतलब clean है guys, it is clean and it is okay, you can come down here, आप plan बना सकते हो यहाँ पे आने का, and the vibe is amazing, बहुत अच्छी आपको vibe आएगी, and बहुत time यहाँ बैठ सकते हो, time spend कर सकते हो with family and friends as well। So
गाइस अब मैं इसको खाता हूँ एंड देन वी विल मूव आउट फ्रॉम हियर। हे गाइस, सो अभी हो गया हमारा ब्रेकफास्ट और अब जा रहे हैं हम यहाँ से। मुझे ये आई एम स्टेइंग इन नगवारा दिस डेज एंड मुझे ये पड़ा है 65 किलोमीटर्स, अराउंड 1.5 घंटे का रास्ता है गाइस ये। एंड आई रीच हियर इन अबाउट 1 hour 30 minutes। स्ट्रेट हाईवे रोड है, ट्रैफिक नहीं मिला। इनिशियली जब मैं आया था तो थोड़ा सा मुझे बेंगलोर पसंद नहीं आया था, बट फॉर द लास्ट 2 days आई हैव बीन ट्रैवलिंग। गाइस कंपनी इज़ अमेजिंग, विद एन आई एम वर्किंग, फैसिलिटीज़ आर अमेजिंग। मैंने यहाँ पे पाइनएप्पल जूस लिया था, इससे बेटर मुझे मेरे ऑफिस में मिलता है। एंड आई ऑर्डर्ड घी मसाला डोसा विच वॉज गुड, टेस्ट काफ़ी अलग था। राइट, तो गाइस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। राइट, एंड आज छुट्टी है गाइस मेरी, हालांकि नहीं होनी चाहिए थी, बट आई ज्वाइंड हियर इन जुलाई एंड आई इन क्रेडिट एंड कलेक्शंस, वेरी गुड प्रोफाइल, कैप्टिव कंपनी। राइट, सो आ चुके हैं गाइस हम आपको। एंड गाइस मैं यहाँ पे बाइक से आया हूँ। राइट, एंड देयर इज द प्लेस विद इन पार्क माई बाइक। प्लेस इज अमेजिंग गाइस, अभी आपको रास्ते में दिखाएंगे, बहुत जगह पड़ेंगी, आई विल शो यू, स्टे ट्यून्ड। सो गाइस यूके बाइक इन कर्नाटका, अब यहाँ पे लगाएंगे अपना फ़ोन जिससे कि रहेगा बहुत कन्वीनियंट जाने में। एंड देन गाइस सी यू, एंजॉय द जर्नी बैक होम। हम यहाँ से चल रहे हैं अपने घर। एंड अब गाइस मेरे व्लॉग्स आएंगे, ट्रैवल व्लॉग्स आएंगे। आई एम वर्किंग आउट एंड अभी मैंने ट्रीटमेंट करवाया है, इट टुक मी अराउंड 10,000 rupees टू हील दैट बाइसेप टियर जो होने वाला था, नहीं हुआ दैट इंजरी। एंड वेरी सून आई विल बी स्टार्टिंग माई आई एम वर्किंग आउट बट राइट नाउ आई विल बी स्टार्टिंग विद माई व्लॉग्स। आई विल बी ट्रैवलिंग इन साउथ, दिस इज अ ब्यूटिफुल प्लेस। एंड अभी मेरा थोड़ा चेंज हुआ है बेंगलोर का माइंडसेट, मैं सोच रहा था कि गार्बेज सिटी है, बट या दिस इज़ अ क्लीन सिटी, अमेजिंग वन, क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। सो आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी में देर इज़ नो ट्रैफिक एंड बाय लक मुझे जो जॉब मिली है वो आउटस्कर्ट्स उसी तरफ पड़ती है, मतलब आई एम लिविंग इन नगवाड़ा तो वो आउटस्कर्ट्स में ही आता है, सबसे पहले वही पड़ता है, उसके बाद कोरमंगला, बिलंदूर, तो यहाँ पे ट्रैफिक लगता है, वाइट फील्ड है, बहुत ट्रैफिक लगता है, तो आई एम लकी। एंड गाइस अब मेरे चैनल पे व्लॉग आते रहेंगे। आई मीन गाइस फ़ोन से व्लॉग बनाना बहुत इजी रहता है, मैंने कैमरा लिया है यू नो, एंड उससे थोड़ा सा हेल्प फॉर टास्क रहता है, मेरे पास यहाँ पे लैपटॉप भी नहीं है, तो पहले उसे एक्सपोर्ट करो लैपटॉप में, उसके बाद वीडियोज़ बनाओ। एंड फ़ोन इज़ अ बिट हैंडी, सो माइट बी इन फ्यूचर आई विल परचेज़ अ फ़ोन एंड देन हम अपनी व्लॉगिंग कंटिन्यू रखेंगे गाइस। ओके, सो गाइस स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, दिस इज मोर कमिंग, and take care, bye bye.